राइट गाइस सर, मैंने भी GTA 5 वाले फ्रैंकलिन को बुला लिया है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग कम्युनिटी के अंदर, और आज हम दोनों कंपटीशन करने वाले हैं $1,00,000 के लिए, वो भी टोयोटा सुप्रा चैलेंज, और देखने वाले कौन ज्यादा बेहतर टोयोटा सुप्रा चला पाता है, क्योंकि वो टोयोटा सुप्रा कोई नॉर्मल सुप्रा नहीं है। ऑलराइट यार, एक और सुहाना मौसम, और अभी मैं भाई अपने घर से बाहर निकल चुका हूँ। एंड हाँ यार गाइस सर, मैं ना इंडियन बाइक ड्राइविंग कम्युनिटी का सबसे गरीब इंसान हूँ, मतलब सबसे गरीब नहीं हूँ, भीख नहीं मांगता हूँ, बट यार थोड़ा सा मैं गरीब हूँ यार। तो मेरा सपना है कि भाई मैं ना GTA 5 वाले फ्रैंकलिन को इंडियन बाइक ड्राइविंग कम्युनिटी के अंदर बुलाऊं यार, बट यार उसको बुलाने के लिए मुझको मोटा पैसा देना होगा उसको। बट गाइस यार, मैं सोच रहा हूँ ना एक खतरनाक सा आइडिया, जैसा कि गाइस आप लोगों ने सैनफॉल में ये रैंप देख पा रहे होंगे ना, तो गाइस ये रैंप अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो मेरे को भी बहुत सारे मिलियन ऑफ डॉलर्स मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये रैंप बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई, इस जिंदगी से बढ़िया है तो भाई यार ट्राई करके ही मर जाऊं, मतलब यार अगर मैं उस रैंप को करता हूँ तो चांसेस इज वेरी हाई कि भाई मैं वहां पर मर सकता हूँ, बट भाई मैं सोच रहा हूँ रिस्क है तो इश्क है। तो चलो यार, अभी मैं ना वो रैंप कंप्लीट करने वाला हूँ, एंड उसी के साथ गाइस यार ये अपनी स्विफ्ट आप लोग देख पाएंगे, इसका मुझे कलर भी चेंज कराना है यार, मतलब ये कलर बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो चलो फिर फटाफट से चलता हूँ, कार का कलर भी चेंज कराता हूँ एंड उस रैंप के पास भी चलता हूँ, क्योंकि मुझे अमीर बनना यही रास्ता सिर्फ बचा मेरे लिए, फटाक से चलता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, भी आप लोग चेक दिस आउट कर सकते हो, तो फाइनली यार मैंने जी स्विफ्ट का कलर चेंज करा लिया, व्हाइट करा लिया जो कि काफी मस्त लग रहा है, एंड थोड़े से ब्लैक वगैरह भी करा दिए आप लोग देख पाएंगे, एंड उसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तो ये रहा वो खतरनाक सा मिशन जिसको कि मेरे को विन करना होगा, एंड उसके बाद मेरे को यहाँ पर बहुत सारे रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। एंड गाइस यार ये मैं स्विफ्ट से विन कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरे पास यही कार है। ओके, तो यहाँ पर नीचे गिर गया, ओ बे भाई भागना पड़ेगा यार, यार जब मैं मर जाऊंगा जल्दी निकलो। ऑलराइट गाइस, मैं आपको बताऊं तो यार मैंने ना यहाँ पर एक चेक पॉइंट लगा दिया है, ठीक है, इससे क्या होगा अगर मैं नीचे गिरता हूँ और मैं तुरंत भाई चेक पॉइंट को प्लेस कर दूंगा तो भाई मैं नीचे नहीं गिरूंगा, सीधा यहीं पर स्पॉन हो जाऊंगा, ठीक है। अब मेरे लिए रिस्क काफी ज्यादा कम हो चुका है, तो अभी मैं फटाक से चलता हूँ। ऑलराइट, कुछ तरीके देखा आपने मेरी चेक पॉइंट का यूज कर लिया, यूज करके मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि अब मैं भाई रिस्क कम हो चुका, अगर मैं जैसे ही गिरूंगा ना तुरंत भाई चेक पॉइंट ले लूंगा तो भाई मजेदार, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, और ये रैंप काफी ज्यादा मस्त दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, शायद से मैं विन कर सकता हूँ, उतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा क्योंकि यार मैं विन करता रहता हूँ ना रैंप वगैरह। ऑलराइट, अभी मेरे को लेफ्ट साइड में जाना है, और इधर से गाइस आप लोग देख पाएंगे ये कंटेनर जगह खुली हुई है। ओके अबे यार, यहाँ से बचाओ, अबे ओ भाई कहाँ से चढ़ते चढ़ते निकल आया भाई साहब, और यहाँ से क्या जंप है। ऑलराइट, तो चलो यार गाइस, अभी मुझे लग रहा है मेरे को सामने ही चलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है ना, तो लग क्या रहा है मुझे यहाँ पर चल रही है। ऑलराइट, यहाँ से कुछ इस तरीके से निकल होगा, ओके राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ओके। तो यार आ गया यार, मैं सोने लगा था यार, मतलब भाई क्या ही बताओ आपको, देख देते हो अभी अटक गया, निकल जा भाई निकल जा यार, अभी मेरे को दूर से आना पड़ेगा, फिर से वापस मैं नहीं चाहता। ओके निकल गया। ऑलराइट, तो फटाक से गाइस अभी मैं यहां से भी निकलता हूं, एंड गाइस क्या लगता है मैं विन कर पाऊंगा कि नहीं मिलियन ऑफ डॉलर्स यार। वैसे मिलियन ऑफ डॉलर्स के लिए देखा जाए तो ये छोटा रैंप है यार। ऑलराइट ऑलराइट, यहां से निकलना होगा कुछ इस तरीके से। ओ भाई निकल गया, और यहां से चढ़ाना तो रुक जा रहे यार, निकल गया, रुको वेट करता हूं इसके फिर से घूम के आने का। ऑलराइट आज का है, एंड मैं इस पे चढ़ भी चुका हूं, आप लोग देख पाएंगे। ऑलराइट यार, और गाइस मुझे लग रहा है कि भाई मैं ना विन होने वाला हूं, थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट मैं पहुंचने ही वाला हूं मुझे लग रहा है। ऑलराइट, यहां से फिर से चढ़ाना पड़ेगा। ये लो, अरे ये क्या है यार, अबे भाई मेरी कार क्यों नहीं चढ़ रही है, एक सेकंड, ये इस तरीके से, अरे यार मेरी कार नहीं चढ़ी, शायद से मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, मैं भी कार से उतर चुका हूं, एंड फटाफट से चलता हूं पैदल, एंड भाई कार आगे मैं ले लूंगा फिर से, ठीक है वापस। ऑलराइट यार, सामने थोड़ा और बचा है, कार ले लिया आप लोग देख पाएंगे, एंड अब की बार भाई साहब मैं देख सकता हूं क्रॉस कर चुका हूं। ऑलराइट, और भाई सामने हमको विनिंग पॉइंट दिख रहा है। ऑलराइट, चलो फटाफट से पहुंचता हूं, एंड ये लो गाइस फाइनली यार मैंने अभी विन कर लिया है, एंड फाइनली गाइस अब मेरे को मिलने वाले मिलियन ऑफ डॉलर्स। तो फटाफट से चलता हूं उस बंदे के पास जिसने ये रैंप बनाया था एंड ये चैलेंज रखा था, एंड उसके पास चल के फटाफट
स्टोर से ले लेता हूँ मिलियन ऑफ डॉलर्स। One week later। ओबे यार ये फ्रैंकलिन कहाँ पर है, कौन सा घर है फ्रैंकलिन का? अरे यार ये इंडियन बैंक ड्रम 3D वाला सस्ता फ्रैंकलिन बना घूम रहा है, यही की लोकेशन बताई थी। चलो फटाक से यहाँ पर चलता हूँ। ऑलराइट, मेरी रोल्स रॉयस ऊपर जा भी पाएगी कि नहीं? अरे कहाँ पे सस्ता फ्रैंकलिन? अरे ये रहा, रुको चलता हूँ फटाक से इसके पास। और फ्रैंकलिन, ओए सस्ते फ्रैंकलिन कैसा है, तूने मेरा नाम कैसे कॉपी किया? अरे आओ आओ GT5 के फ्रैंकलिन, आ जाओ यार। तुम भाई कहाँ यार, मैंने तुम्हें भाई क्या ही बताऊँ, तुम्हारा मेरा सपना था कि तुम्हें मैं इंडियन बाइक M3D के अंदर बुलाऊँ, लेकिन भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन फाइनली मैंने तुम्हें खरीद लिया। ओए ओए खरीदा नहीं है, ओए साले तू। अरे नहीं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वर्कआउट करते भाई, अपनी कार यहाँ पे साइड में खड़ी करो, आके कार वर्कआउट करे। अच्छा रुको रुको, मैं भी लेकर आता हूँ, मैं अपनी रोल्स रॉयस साइड में खड़ी करता हूँ, उसके ऊपर मैं भी वर्कआउट करूंगा यार, मैंने आज करा भी नहीं था। ऑलराइट, ये मैं बैठा कार के अंदर और इसके साइड में ही लगा देता हूँ। वैसे तुम ये कार के ऊपर क्यों वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ जिम नहीं है क्या? अरे यार भाई बहुत पैसा है यार, जिम बना रखा है, पर फर्स्ट फ्लोर पे जिम ही जिम है समझा, बट जिम करते करते उब गया हूँ, इसीलिए कार के ऊपर कर रहा हूँ खुले आसमान में। ये ले भाई, मैं तो टिप से मारूंगा, ये ले 1 2 3 4। अगर तू मार लेगा ऐसे टिप से जैसे मैं मार रहा हूँ। अरे यार भाई मैंने अभी बहुत मारी है भाई, मतलब ऐसे 2-3 हजार मार दी थी। बट अभी गाइस यार ये मेरी वर्कआउट का ये वाली देख सकते हो, ये जो मैं कर रहा हूँ अभी, ये ही करना है मेरे को। बस फ्रैंकली तुमने मेरा नाम क्यों कॉपी कर लिया? माना गेम कॉपी कर लिया तुमने मेरा, लेकिन नाम भी कॉपी करोगे क्या? अरे यार वो मैंने नहीं, लोगों ने नाम रख दिया मेरा, तो मैं अपने आप को भी फ्रैंकलिन कहने लगा। इंडियन GT5 में हो ना तुम अभी? अच्छा वैसे ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ चैलेंज कंप्लीट करोगे? अभी मैं एक टोयोटा सुपरा को मंगाऊंगा, ठीक है? बहुत ही ज्यादा खतरनाक टोयोटा सुपरा है, उसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर पाता। कॉम्पिटिशन करो तो बताओ, उसको स्पॉन कराऊं। अबे क्या टोयोटा सुपरा चैलेंज? अरे यार जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो मैं टोयोटा सुपरा चलाता था। चलो कहाँ पे चल रहा है? हाँ तो फ्रैंकलिन, GT5 वाले फ्रैंकलिन, बताओ तुम्हें ये कैसा लग रहा है? और लगने की बात छोड़ो, यहाँ पे टोयोटा सुपरा कहाँ पर है यार? अरे अरे वो आ रही है ना, भी एक बंदा लेकर आ रहा है टोयोटा सुपरा को, और यहीं पर अभी हम दोनों का चैलेंज कंप्लीट करने वाले हैं। जो जीतेगा उसको मिलेंगे $1,00,000, ठीक है? ओके ओके। अरे यार कहाँ पे लेके चलनी है यार ये टोयोटा सुपरा, यही की लोकेशन है, यही की? ओके ओके ओके, ये रहे यार, इन्हीं बंदों ने अभी यार ये टोयोटा सुपरा मंगाई थी, इतना ज्यादा खतरनाक टोयोटा सुपरा है, कंट्रोल भी नहीं होती मेरे से। चलो मैं पे फटाक से खड़ी कर देता हूँ इसको, ये लो आपके लिए मैं घूमता हूँ तभी। ओके ये खड़ी कर दी, और इस बंदे को बता देता हूँ चल कर की सार सार मैंने कार खड़ी कर दी है तुम्हारी। और यार ये तो अमीर लोग रखे भाई, मर्सिडीज रोल्स रॉयस, अरे यार ये तो अमीर बंदे है। अरे सर हेलो सर, मैंने आपकी टोयोटा सुपरा खड़ी कर दी, लो देखो जाके उधर खड़ी है। अरे अरे ठीक है भाई तुम जा सकते हो। ओके सर चलता हूँ, ले ले। लेकिन एक सेकंड सर, ये GT5 का फ्रैंकलिन यहाँ पर कैसे आया सर? सर ये कैसे आया? अरे यार मैंने बुलाया इसको यार GT5 से फ्रैंकलिन को इंडियन बाइक M3D के अंदर। अरे सर क्या बात कर रहे हो, मतलब अब तो दो फ्रैंकलिन, मेरे दो फ्रैंकलिन। अरे तेरे फ्रैंकलिन भाग जा यहाँ से, मारूंगा भी अभी खींच के। अच्छा सर चलता हूँ, नमस्ते सर। हाँ फिर तारा हूँ। हाँ तो GT5 के फ्रैंकलिन तुम रेडी हो ना? हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लोग आज के कॉम्पिटिशन देखने के लिए, क्योंकि उस बंदे ने खबर कर दी थी कि भाई फ्रैंकलिन आया है GT5 का फ्रैंकलिन। तो चलो सबसे पहले तो मैच चलने वाला, और इतनी ऑडियंस आ चुकी है आप लोग देख पाएंगे। थैंक यू गाइस, ये लोग चेयर अप कर रहे हैं हमको। ओके तो यहाँ पर फटाफट से मैं ये टोयोटा सुपरा को उठाता हूँ, दिखाता हूँ भाई ये टोयोटा सुपरा किस लेवल की है, मतलब भाई तो इतनी ज्यादा खतरनाक आप लोग देख सकते हो, और ये चलने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फ्रैंकलिन वहाँ पर खड़े होकर देखने वाला है हमारी ये टोयोटा सुपरा कि मैं कैसे चला रहा हूँ, और पहले मैं इसलिए चला रहा हूँ ताकि उसको पता चल सके कि ये कैसी कार है। ओके ये चेक करो भाई, ये ना पावर स्टीयरिंग के साथ है भाई, मतलब यार इतनी ज्यादा खतरनाक, इसे क्या ही बताओ, आप लोग चला भी नहीं पाओगे। ये देखो पहले भाई ड्रिफ्टे चेक करो, ऐसी कोई कार ड्रिफ्टे मार पाएगी क्या? ये देखो भाई खतरनाक सा। और इधर ले जाकर ये चेक करो भाई, ये देखो ये। ऑलराइट गाइस सर, मुझे तो लग नहीं रहा है कि भाई GT5 का फ्रैंकलिन ये टोयोटा सुपरा चला पाएगा इंडियन पैशन 3D के अंदर यार। वैसे गाइस सर अभी यार ये लोग जो खड़े हुए हैं ना, अगर भाई मैं इनके ऊपर कार चढ़ा दूं, इन लोगों को डर नहीं लग रहा क्या?
मतलब भाई अगर मैं इनके पास आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इनके पास चढ़ गई तो क्या होगा। वैसे यार ये लोग ऊपर खड़े हुए हैं यार, तो कार चढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एसयूवी वगैरह होती तो जो चढ़ सकती थी। बट गाइस ये देखो भाई, स्टैंड चेक करो पहले आप लोग भाई। वो तो रही बात की बात है भाई, स्टैंड देखो। ये मैं गया यहाँ से, अब की बार देखना क्या ही खतरा। ये चेक करो भाई, पूरी कार एक बार में मैं घुमा देता हूँ। मतलब भाई कितनी ज्यादा मजे में, आपको बता नहीं सकता। ठीक है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, सीधा इसको आपको मुड़ाना है। एंड भाई इतनी ज्यादा खतरनाक से ये कटती है, आपको बता नहीं सकता। चलो कोई दिक्कत नहीं, कैसे आप लोग देख पाएंगे। आपने मेरी ड्राइविंग स्किल्स तो देख ही ली होंगी। चलो गाइस अभी मैं देखता हूँ GT5 के फ्रैंकलिन के ड्राइविंग स्किल्स और देखता हूँ वो कैसे चला पाएगा। अरे यार ये तो तुमने काफी ज्यादा खतरनाक कार चलाई है, और ये कार है कैसी? अगर मैं विन कर गया ना तो मैं तुझे मारूंगा। तुमने बहुत ओवर हो रहा था ना कि ये कार नहीं चला पाएगा। ये कार मेरे लिए मक्खन है, ठीक है। ये कार मुझे लगता है तुमने GT5 से ही इम्पोर्ट कराई हुई है। मैं चला लूंगा इसको, ठीक है। मैं टोयोटा सुप्रा तो पहले भी चला चुका हूँ, बट पावर स्टेयरिंग वाली नहीं चलाई है। ये देखो, ये लो यार, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी मैं बाहर निकल के एक बार स्पीड में आऊंगा। तुमने हल्के में ले लिया मेरे को, मैं GT5 का फ्रैंक लो तो मेरी कॉपी हो, ठीक है। ये देखो अभी लो यहाँ पे, मैं कहती रोला काट दूंगा। ये लो ये लो ये लो ये तालियां बज रही है भाई, तालियां बजाते रहो, ठीक है। तालियां बजनी है, रोकनी नहीं चाहिए तालियां भाई साहब। ये देखो भाई, बैग में भी ड्रिफ्ट मार रहा हूँ। ये लो भाई, यार मुझे लगा था यार काफी ज्यादा खतरनाक होगी, बट ये तो मेरे लिए हल्लुआ जैसी लग रही है भाई। मैं इसको ना इजीली चला पा रहा हूँ। आप लोग ये देखो भाई, ये चिको ये कौन कर पाएगा भाई। ये वॉर्नअप मार रहा हूँ, वॉर्नअप भाई, चेक दिस आउट, धुआं धुआं कर दिया। ऐसे कार थोड़ी ना भाई, मेरे को हाल के मिल लिया। ये लो भाई, ठोक टाक के कहती एक नंबर बराबर कर दूंगा। तो यार गाइस इसको चला करना काफी ज्यादा मजा है मेरे को। बट अब यार मैंने नहीं ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया, और तालियों से आपको पता चल रहा होगा क्या मतलब तालियां नहीं बज रही। अरे तालियां बजा तो रे, अरे तालियां बज रही है। ओके ओके, ये देखो तालियां बज रही है। अब भी यार मेरे को लगता है मुझे बहुत ज्यादा मिलने वाला है, और वो मैं $1,00,000 जीतने वाला हूँ, ठीक है। चलो यार इस सस्ते फ्रैंकलिन के पास चलो, तेरी ऐसी की तैसी उठ ताले को। क्या कह रहा था मैं, टोयोटा सुप्रा नहीं चला पाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि गाइस आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर हम दोनों ने काफी ज्यादा मस्त यहाँ पर टोयोटा सुप्रा चलाई हुई है। और गाइस अभी देखने वाले पब्लिक किसको वोट करने वाले, ठीक है। देखते किसने खतरनाक टोयोटा सुप्रा चलाई, और जो पब्लिक वोट करेंगी जिसको, तो गाइस ये $1,00,000 आप लोग देख पाएंगे रखे हुए, ये उसको ही मिल जाएंगे। तो गाइस आप लोग बताओ किसको किसको वोट करोगे, फटाफट से बताओ। अब देखा ना, तेरे गेम में आकर तेरे से रुपए जीत कर जा रहा हूँ। ये होती है रियल पावर, ठीक है, रियल बंदे की पावर। तू नकली बंदा है फ्रैंकलिन, चल ठीक है। थैंक्स गाइस, तुम लोगों ने मेरे को जिता दिया। थैंक यू दोस्तों। मैं इंडियन बक्सम 3D में फिर से आऊंगा कभी ना कभी। तो देखा फ्रैंकलिन, तेरे इंडियन बक्सम 3D के अंदर आके मैंने ये $1,00,000 जीत लिए। वैसे यार मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, तो मैं ये $1,00,000 तो आप सब लोगों को गिफ्ट करना चाहूंगा। भाइयों बहनों, आप सब लोग ले जाओ ये $1,00,000। अरे उन लोगों को काहे दे रहा हूँ यार, मेरे को ही दे दो यार, मेरे रुपए है। अरे यार तूने मेरे जीते, मैं कुछ भी करूँ, इन रुपए का चल लूंगा। अच्छा ठीक है यार, वैसे तुम यार आकर जीत ले गए हो यार, कोई दिक्कत नहीं। चलो यार कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट कभी करेंगे फिर से, अब की बार तो हरा ही दूंगा तुम्हें। फिलहाल तो आ जाओ सस्ते फ्रैंकलिन, तो मैं लेकर चलता हूँ रोल्स रॉयस राइड पे। तुम कभी रोल्स रॉयस में बैठे नहीं होगे यार। अरे काहे कह रहे हो यार, मैं रोल्स रॉयस में बैठा हुआ हूँ यार, मतलब मैं अब तो खरीदूंगा। अब तुमने मुझे कोफ्ता दिला दिया, मैं रोल्स रॉयस ही लूंगा यार। तुमने मर्सिडीज को क्या हल्के में ले लिया यार, वो मेरी 3 करोड़ की मर्सिडीज है समझे, और ये तुम 10 करोड़ की रोल्स रॉयस लेकर घूम रहे हो। ले नहीं लूंगा क्या, सिर्फ 7 करोड़ सी तो 7 करोड़ का मेरा। यार तुम कोई दिक्कत नहीं यार, तुम्हारी रोल्स रॉयस मेरी रोल्स रॉयस एक ही बात है यार, तुम्हारे साथ बैठो। चलो तुम्हें राइड देकर आता हूँ, कैसा मजा रहा है बताओ कमेंट में। अरे कमेंट का क्या यार, कमेंट तो हो ही जाएंगे, बट मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे को ना ये कार पे लग्जूरियस होना काफी ज्यादा मस्त लग रहा है यार। मतलब इतनी मर्सिडीज लग्जूरियस होती है बट यार इतनी भी ज्यादा नहीं यार। रोल्स रॉयस तो अलग लेवल पे ही लग्जूरियस बना रहा है कार है। वैसे मुझे भी चलाने दो क्या ये रोल्स रॉयस, मतलब मैंने कभी चलाई नहीं है, मैं बैठा बैठा हूँ बट ये चलाई नहीं है यार। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, मेरी रोल्स रॉयस तुम्हारी रोल्स रॉयस एक ही बात है, आ जाओ चलाओ आकर। यार कैसी बात कर दी तुमने, गिरी हुई बात कर दी, आ जाओ चलाओ। धन्यवाद भाई धन्यवाद, आपने मुझे रोल्स रॉयस चलाने को दिया। चलो बैठो तुम उधर बैठे जाके, मैं चलाता हूँ रोल्स रॉयस। ओके फर्स्ट टाइम यार, अभी रुको इंस्टा स्टोरी लगा देता हूँ, स्टोरी पे लगा दूंगा रोल्स रॉयस चला दी मैंने। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, अभी गियर कौन सा है, अरे गियर नहीं पड़ते, आ जाओ ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। ऑलराइट, इसकी टॉप स्पीड है
चेक ही कर लूंगा। अरे और भाई रोज रोज टॉप स्पीड का चेक करो गैप कुछ हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं तो बहुत जोर जोर से भगाता हूँ अपनी वो मर्सिडीज़, ठीक है? अरे मर्सिडीज़ नहीं रोल्स रॉयस है भाई ये। अब तुम सिर्फ चुपचाप बैठो और देखो मैं कैसे रोल्स रॉयस चलाता हूँ। ज्यादा गुस्सा दिलाओगे अगर मैं नाराज हो गया तो मैं सीधा रोल्स रॉयस ही परचेज कर लूंगा, ठीक है? मेरे पास पैसों की कभी थोड़ी रोल्स रॉयस तो नहीं, बट किस्तों पे तो निकाल ही लूंगा यार भाई, समझ रहे हो ना। ओ भाई कितना मस्त लग्जूरियस भाई, चलाने में मजा आ रहा है यार। गुस्सा हो रहे क्या? गुस्सा हो रहे हो? अरे नहीं तो भाई मैं गुस्सा का ही हूँ यार, गुस्सा नहीं होगा, गुस्सा गुस्सा नहीं होगा। अरे भाई तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम गुस्सा रहे हो यार। अरे भाई मैं नहीं गुस्सा रहा हूँ। अच्छा तुम गुस्सा नहीं आती तुम्हें क्या? गुस्सा नहीं आती बिल्कुल भी? अरे नहीं नहीं भाई, मुझे गुस्सा क्या होती, नाम ही नहीं पाता। क्योंकि मैं पहले यहीं पे रहता था ना, लोग देखेंगे मेरा रोला कट जाएगी भाई, ये पहले गांव में रहता था अब भाई ये रोल्स रॉयस से घूम रहा है। थैंक यू भाई यार, तुमने मुझे रोल्स रॉयस चलवा दी। वैसे क्या ये रोल्स रॉयस स्टंट मार सकती है? सामने की स्टंट रैंप है। उतर नहीं चढ़ा, ओए ओए टूट जाएगी भाई। अरे ये क्या कर रहा है साले? गाइस कितना मजा आ गया, ये देखो भाई टूटी टाटी भी नहीं है। एक बार और ट्राई करता हूं, रुको टूटी नहीं है एक बार और। अरे यार तू क्या कर रहा है? ओ यार पूरी तोड़ के ही मारेगा क्या? अभी रैप एयर हो जाएगी। ओ भाई खत्म कर दी पूरी कार, खत्म कर दी मेरी रोल्स रॉयस। उतर नीचे उतर तू पहले। हां भाई ये लो कार अपनी, ये लो पूरी तोड़ दी तेरे, कूद के मारूंगा। अरे रुक तेरी एजिक दे दी, ये रे कुकुर कहीं के साले, तेरे गेम में घुस के तेरे को मारूंगा तेरी एजिक दे दी भाई। मेरी पूरी 10 करोड़ की रोल्स रॉयस की एजिक ताजी कर दी यार भाई। ये सस्ता फ्रैंकलिन क्या ही बताऊं, तभी मैं नहीं आ रहा था यहाँ पर इंडियन बैकग्राउंड ड्यूटी के अंदर। चलो अभी मैं चलता हूँ अपने घर पे यार, फिर से GTA 5 के अंदर इसकी इसके ऊपर चढ़ा मार ही डाला पूरा कुकुर गाई का। अभी फटाफट से चलता हूँ अपने GTA 5 के अंदर और दोबारा इस इंडियन बैकग्राउंड ड्यूटी में कभी नहीं आऊंगा। So that's it for today guys, आपको ये वीडियो कैसी लगी फटाफट से कमेंट में बताना, और इसी तरीके की और खतरनाक वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आपको इस चैनल पे डेली खतरनाक वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो अभी के भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम मिलेंगे आपसे को न्यू खतरनाक वीडियो के साथ वापस। सब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।